हेलो स्टूडेंट्स, टुडे यू विल रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और इससे पहले आपने पिछले वीडियो में ओवरव्यू समझ चुके हैं इस चैप्टर का, और इस टाइम आप लाइन वाइज चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वोमैन, यानी मेरी दादी अन्य बूढ़ी माओं के समान ही एक बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, और जैसा कि मैं उन्हें 20 वर्षों से जानता था, वे झुर्रीदार वृद्ध स्त्री ही थी। यानी पिछले 20 वर्षों से, जब से मैंने उन्हें देखा था, तब से वो बूढ़ी स्त्री ही थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लोग ये भी कहते थे कि वो कभी बहुत ही ज़्यादा यंग थी, प्रेटी सुंदर थी, और उनके एक पति भी थे, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट वो सॉरी माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो एक स्लैब बनी हुई थी सामने ही, जिसे कानिस भी बोलते हैं, उस पर मेरे दादाजी की एक तस्वीर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और वह एक बड़ी पगड़ी बांधते थे और ढीली फिटिंग के वस्त्र पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उनके चेस्ट यानी कि छाती के ऊपरी भाग को भी ढके हुए थी, और वे कम से कम कितने वर्ष के दिखाई देते थे, एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, यानी 100 वर्ष के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ ऑफ चिल्ड्रन, वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि जिनके पत्नी और बच्चे भी रहे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वे केवल ऐसे दिखाई देते थे कि जिनके बहुत सारे पोते और पोतियां रहे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक इस बात का संबंध है कि मेरी दादी जवान और सुंदर थी, यह विचार ही रिवोल्टिंग है, यानी अवमाननीय है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वे प्राय हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिनको जब वे खुद बच्ची थी खेला करती थी, यानी कि जो वे बचपन में अपने गेम खेलती थी वही गेम हमें भी बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस, वे खेल उनके लिए असंगत और असम्मानित प्रतीत होते थे, और हमें वे जो कहा करती थी वह हम शिक्षाप्रद कहानियों के समान किया करते थे, या फिर एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि जो भी वो हमसे कहा करती थी वह हम हमेशा फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स माने होता है पैगंबर की शिक्षा थोड़ी सी झुकी हुई उनके समान ही
होती थी. Her face was a next stanza है. Christ cross of always been running from everywhere to everywhere and slightly bent. उनके चेहरे पर झुर्रियों की रेखाएं चारों ओर थी. Everywhere and everywhere means चारों ओर थी, सभी स्थानों पर थी. No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हमें पक्का विश्वास था कि वह सदैव से वैसी ही थी जिस रूप में हम उन्हें जानते थे. So terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. यानी कि बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी वे, और 20 सालों से वह एक ही आयु पर ठहरी हुई थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वह कभी भी बहुत सुंदर नहीं थी, किंतु सुंदर तो वह सदा से ही थी. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति चेहरे से ही बहुत खूबसूरत हो, लेकिन वे मन से हमेशा से ही खूबसूरत रही थी. यानी कि क्लियर है अर्थ? हैव बीन प्रेटी यानी कि बहुत ज़्यादा मनमोहिनी नहीं थी, सुशोभित नहीं थी, लेकिन वो सुंदर तो हमेशा से ही थी. शी hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वह कैसी थी? स्पॉटलेस यानी कि दाग रहित, सफेद वस्त्रों में से एक हाथ अपनी कमर पर उसको झुकने में संतुलन करने के लिए रखकर और दूसरे हाथ में क्या करती थी? बेडिंग यानी कि माला फेरते हुए घर में लंगड़ा कर चलती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पुकर फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर. उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल की लटें उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर अस्त व्यस्त रूप से बिखरे हुए होते थे. और तो और, उनके जो होंठ थे लगातार न सुनाई देने वाली प्रार्थना से हिलते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी. She was like the winter landscape in the mountain. कैसी सुंदर थी? वह पहाड़ों में जाड़े की दृश्य की भांति. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. शांति और संतुष्ट की सांस लेती थी. शुद्ध श्वेत शांति के विचार जैसी थी वो. नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा है आपका. माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे. माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. मेरे माता पिता जब शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था. And we were constantly together. और हम लगातार इकट्ठे रहती थी. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह जगाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वे जिस समय मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी उस समय सुबह की प्रार्थना नीरस ऊंची नीची लय में किया करती थी. उन्हें यह आशा थी, इस आशा से वो मुझे सुनाया करती थी कि मैं उस प्रार्थना को सुनूं, listen, and get to know it by heart, और उसे मैं
बाय हार्ट, यानी कि मुंह जुबानी, यानी कि ओरल, मैं उसे याद कर लूँ। आई लिसेंट बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता था। क्यों सुनता था? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ प्रिय लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने उसको सीखने की कभी कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्टेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। उसके बाद वे क्या करती थी? शी फैच माई वुडन स्लेट, मेरी वुडन स्लेट यानी कि एक लकड़ी की तख्ती को लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसको वे पहले ही साफ करके मिट्टी से यानी कि येलो चॉक से पोत देती थी, यानी कि मिट्टी से, जो पीली मिट्टी होती है उससे वो पोत देती थी। और अ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रैट पेन, वे मिट्टी की छोटी दवात और एक लाल कलम भी मेरे लिए लाती थी। पेन से मतलब यहाँ क्या है? कलम है, जिस कलम को हम उसमें जो इंक बनाई है उन्होंने उसमें डुबो डुबो कर उसको लिखा जाता था। देखिए आपको इमेज दिखा सकते हैं हम इसको कि किस तरीके से पट्टी पर आप लिख सकते हैं। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, उनको एक बंडल में बांधती थी और मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्खन और चीनी होती थी का नाश्ता मैं करता था। और उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए वे अपने साथ बहुत सारी बासी रोटियां ले जाती थी। माय ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, मेरी दादी मेरे साथ सदैव स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फावेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोस ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फावेट और द प्रेयर इन अ कोरस, जिस समय बच्चे बरामदे में दोनों ओर पंक्तियों में बैठते थे अल्फाबेट्स यानी कि वर्णमाला या प्रार्थना समेत स्वर में गाते थे, यानी कि दोनों चीज़ों को जब स्वर में गाते थे, उस समय माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी मंदिर में अंदर बैठकर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टूगेदर, जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते थे हम दोनों इकट्ठे वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय हमें गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, यानी कि जो चपाती यानी रोटियां हम उन्हें फेंकते थे उनको लेने के लिए वे आपस में एक दूसरे पर गुर्राते हुए और लड़ते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तो उन्होंने हमें भी बुला लिया। That was a turning point in our friendship. और हमारी मित्रता का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। दैट वॉज अ although वी शेयर द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था। I used to go to an English school in a motor bus
मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस. अब यहाँ गलियों में कुत्ते नहीं होते थे और दादी अपनी शहरी मकान के आंगन में स्पैरोज यानी कि गौरैया चिड़िया का नाम होता है तो उनको दाना चुंगाती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब जैसे जैसे समय गुजरता गया अब हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे. फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए वो तैयार करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता था तो वे मुझसे पूछा करती थी कि शिक्षक ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं उनको बताया करता था अंग्रेजी शब्द और वे वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स के शब्द यानी पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, आर्कमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्कमिडीज के सिद्धांत बताया करता था, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी कि पृथ्वी गोल है आदि मैं उनको बताया करता था. लेकिन क्या होता था, दिस मेड हर अनहैप्पी. इससे वे क्या होती थी, नाखुश होती थी यानी बहुत खुश नहीं हो पाती थी वो. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स क्योंकि वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों में उनका विश्वास नहीं था और ईश्वर व धर्म ग्रंथों के बारे में भी वो शिक्षण न हो पाने पर दुखी हो जाती थी. वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड वह बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूट एसोसिएशंस उनके लिए संगीत का संबंध कामुकता से था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक और इस पर वैश्याओं एवं भिखारियों का एकाधिकार था ऐसा उनका मानना था और यह जेंटल पर्संस की चीज़ नहीं है यानी कि अच्छे लोगों की चीज़ नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ नहीं कहा किंतु उनकी चुप्पी का अर्थ यही था. क्या था, डिसअप्रूवल यानी कि असहमति अस्वीकृति. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट उसके पश्चात वह मुझसे शायद ही कभी बात करती. नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया. आई वॉज गिविन अ रूम ऑफ माई ओन मुझे अलग कमरा प्रदान कर दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड मित्रता का जो हमारा संबंध था वो अब टूट गया था. My grandmother accepted her situation with resignation. मेरी दादी ने अपने एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकारा था. Next, दोबारा से पढ़ लीजिए इसको. My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने अपने एकांत को कैसे अपनाया था, धैर्यपूर्ण सहमति के साथ अपना लिया था.
She rarely left her spinning wheel to talk to everyone. वह अपना चरखा छोड़कर शायद ही किसी से बात करती थी. From sunrise to sunset, she sat her wheel spinning and reciting prayers. सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह प्रार्थनाएं जपते हुए चरखे के पास बैठी रहती. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर को चिड़ियों को चुंगाने के लिए देर से आराम करती. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits. जब बरामदे में वह रोटियों के टुकड़े करते हुए बैठती तो hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो सैकड़ों पक्षी चहचहाकर शोर मचाते हुए उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते. Some came and perched on her legs. कुछ पक्षी आते और उनकी टांगों के बीच में टांगों के पास आकर बैठ जाते. Others on her shoulders. कुछ आते उनके कंधों पर बैठते. Some even sat on her head. कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाते. She smiled but never shooed them away. वह मुस्कुराती परंतु कभी उन्हें नहीं भगाती. It used to be the happiest half hour of the day for her. वह उनके लिए दिन का सबसे ज़्यादा happiest यानी खुशनुमा कितना half hour आधा घंटा हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset. तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी दुखी होंगी. I would be away for 5 years. मैं 5 वर्ष अब बाहर रहूँगा. And at her age, one could never tell. और उनकी आयु में कोई कमी नहीं कर सकता. But my grandmother could. पर मेरी दादी ऐसा कर सकी. She was not even sentimental. वे भावुक भी नहीं हुई. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. वे मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई पर उन्होंने कोई बात नहीं की. Or show any emotion. और ना ही कोई भावना अपनी दिखाई. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. उनके होंठ प्रार्थना से हिल रहे थे. उनका मन प्रार्थना में ही खोया हुआ था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां उनकी माला के जो मनके होते थे उन्हें गिनने में व्यस्त थीं. Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने चुपचाप से मेरा माथा चूमा और जब मैं चला गया तो मैंने गीली छाप को अपने मन में संजोया हुआ था जैसे कि वह शायद हमारे बीच में अभी भी कोई भौतिक संपर्क बना है और उसका अंतिम चिन्ह उनकी वो गीली चीज है. बट दैट वॉज नॉट सो. पर ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 वर्षों के बाद मैं घर वापस आया एंड जो मेरी दादी थी मुझे स्टेशन पर मिली. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वे मुझे जरा सी भी अधिक बूढ़ी नज़र नहीं आई. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उनके पास अब भी कहने के लिए समय नहीं था यानी कि वह मुझसे अभी भी नहीं बोली. एंड वाइल सी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers.
और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेटा तो मैंने उनकी प्रार्थना को अभी भी कहते हुए उन्हें सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स। उनके सबसे अधिक प्रसन्नता के क्षण गौरैयाओं के साथ थे, जिनको वे बहुत देर तक चुगाती थी और खिलवाड़ में उनको दुत्कारती भी थी, रिब्यूक्स भी करती। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वोमेन इन द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। काफ़ी दिनों से इस्तेमाल में ना आए ढोलक की ढीली खाल को वो घंटों तक पीटती रहीं और योद्धाओं के घर वापसी का गीत गाती रहीं। यानी कि जब योद्धा घर पर वापस आते थे तब जो गीत गाया करते थे लोग, उन गीतों को आज दादी माँ ने पड़ोस की औरतों के संग इकट्ठा होकर गाया। वी हैड टू परस्यूट हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। हमें उनको रुकने के लिए रजामंद करना पड़ा जिससे कि उन पर ज़्यादा जोर ना पड़े। और जब से मैं उनको जानता हूँ, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, जब से मैं उनको जानता हूँ, आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। यह पहला मौका था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, क्या हो गया, वे बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने बताया कि यह बुखार जो है वो उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग ही तरह से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत करीब है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि क्योंकि अपने जीवन के अंतिम अध्याय के खत्म होने के कुछ ही घंटों पूर्व उन्होंने प्रार्थना छोड़ी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसलिए वह हमसे बात करने में अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे विरोध को नकार दिया। शी ले पीसफुली इन बेड praying and telling her beads, वह शांति से प्रार्थना करती हुई, माला जपती हुई बिस्तर पर लेटी रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, यहाँ तक कि हमारे आशंका करने से पहले ही उनके होंठ हिलने बंद हो गए, माला उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांत पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और वे सब हम लोग समझ गए कि अब वो मर चुकी थी। नेक्स्ट स्टैंजा है और लास्ट स्टैंजा है इसका। We lifted her off the bed and as she and is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उनको चारपाई से नीचे उतारा और रिवाज के अनुसार, as is customary, जैसा कि रिवाज होता है उसके अनुसार उनको ज़मीन पर लिटाया। उनके ऊपर लाल कफन हमने डाल दिया। After a few hours of mourning,
वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। रोने पीटने के कुछ घंटों बाद उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। अब उनको दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी की एक अर्थी के साथ शाम को हम उनके कमरे में उसके लिए हम उनके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिपने ही वाला था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लास्ट ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य छिपने वाला था और एक चमकदार सुनहरी रोशनी यानी कि आभा के साथ उनका कमरा और बरामदा दोनों ही लाइटिंग हो रहे थे, यानी सभी जगह प्रकाश हो रहा था हल्का हल्का। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में ही जाकर रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सारे बरांडे में जहाँ दादी मरी हुई लेटी हुई थी और उनके ऊपर लाल कफन लपेटा हुआ था, हजारों गौरैया फर्श पर वहाँ इधर उधर बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिपिंग, कोई भी चहचाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें चिड़ियों की दशा पर देखकर दुख हुआ और मेरी माता जी ने उनके लिए कुछ रोटियां भी डाल दी। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने दादी की तरह ही उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए डाल दी गई रोटी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन गौरैया ने यानी कि जितनी भी चिड़ियाएँ थी वहाँ पर उन्होंने रोटी पर ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी माँ की उनकी डेड बॉडी को उठाने के लिए आए, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह को रोटियों के उन टुकड़ों को जो स्वीपर है, जो जमादार होता है यानी कि जो भंगी होता है, वो उसने आया और झाड़ू लगाकर उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस तरीके से ये आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है लाइन वाइज, इसको अच्छे से समझ लीजिए। और इसके ओवरव्यूज़ को अगर चाहें तो आप दोबारा से भी इसकी स्टोरी को सुन सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।